फ्रांस के एक चर्च में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो हथियारबंद युवकों ने कई लोगों को बंधक बना लिया और एक पादरी की हत्या कर दी। घटना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चर्च को चारों ओर से घेराबंदी करके हथियारबंद दोनों बदमाशों को मार गिराया है। आज सुबह दो हमलावरों ने चर्च में घुसकर वहां मौजूद एक पादरी समेत कुछ लोगों को बंधक बना लिया था। बंधक बनाए गए लोगों में से एक व्यक्ति वहां से भागने में कामयाब हुआ, जिसके बाद चर्च में घुसे हमलावरों की सूचना पाते ही पुलिस मौके पर जा पहुंची, लेकिन उससे पहले हमलावरों ने पादरी की गला काटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया। लोगों की माने तो हमलावर चर्च के पिछले गेट से अंदर घुसे और उसी वक्त उन्होंने वहां मौजूद कुछ लोगों को बंधक बना लिया था। बंधक बनाए गए लोगों में चर्च का पादरी, दो बहनें और चर्च जाने वाले कुछ लोग शामिल थे। फिलहाल चर्च के आसपास के रास्ते पर पुलिस प्रशासन ने रोक लगा रखी है। पुलिस ये भी पता लगाने में कोशिश कर रही है कि हमलावरों ने कहीं चर्च में विस्फोटक तो नहीं छुपाया।